हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सपना आज की वीडियो में और सबके साथ शेयर करने वाली ये मेकअप लुक जो कि मैंने कैरी किया था अपने फ्रेंड्स के मैरिज पार्टी में। तो ये एक गेट रेडी विथ मी लुक है। तो आप इस लुक को किसी भी पार्टी फंक्शन के लिए कैरी कर सकते हैं। अभी तो ईद आने वाला है तो आप इस लुक को ईद में भी कैरी कर सकते हैं। काफी टॉप लुक है। तो अगर आपको मेरा ये लुक पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आपको देखना है कि ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं यहाँ ले रही हूँ ये कोजी केयर का स्किन वाइटनिंग सीरम और इससे कुछ ड्रॉप लेके अपने फेस पे इस तरह से अप्लाई कर ले रही हूँ और हल्का सा मसाज कर लूंगी। उसके बाद मैं सबसे पहले यहाँ कर रही हूँ आई मेकअप। तो आई मेकअप के लिए सबसे पहले मैं अपने आईब्रोज को यहाँ फिल कर रही हूँ। तो मैं सिवाना कलर्स का ये आईब्रोज किट ले रही हूँ जिसमें मेरा शेड है 01। तो इसको लेके इसमें से ये ब्लैक इस कलर पिक करके और एक फ्लैट एंगुलर ब्रश की हेल्प से अपने ब्राउज को फिल कर रही हूँ। और उसके बाद सेम जो ब्रश में पुली दे रखी है उससे कॉम करके अच्छे से सेट कर लूंगी। देन मैं अप्लाई करूंगी कंसीलर। तो कंसीलर के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का ये कंसीलर और अपने आईलिड पे अच्छे से अप्लाई करके और एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से डैब डैब कर लूंगी, ब्लेंड कर लूंगी। तो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर को पानी में अच्छे से भिगा के निचोड़ लिया है। उसके बाद मैं अपने कंसीलर को सेट करूंगी ये लोरियल के कॉम्पैक्ट पाउडर से। देन मैं अपना करूंगी आई मेकअप। तो आई मेकअप के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का ये आई शेडो पैलेट और इसमें से ये लाइट ऑरेंजेस कलर लेके एक ब्रश की हेल्प से और अपने क्रीज पे इस तरह से अप्लाई करके अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। उसके बाद ये थोड़ा सा डार्क उससे डार्कर कलर ले रही हूँ और अपने आउटर वी पे इस तरह से अप्लाई करूंगी और उसको भी ब्लेंड करूंगी साथ में, क्रीज को लेते हुए दोनों कलर को अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। उसके बाद सेम पैलेट में ब्लैक कलर नहीं था तो इसलिए मैं दूसरा पैलेट ले रही हूँ। ये मेकअप रेवोल्यूशन का पैलेट है और उसमें से ये ब्लैक कलर पिक करके एक स्मॉल ब्रश में और अपने आउटर कॉर्नर पे इस तरह से हल्का हल्का प्लेस करूंगी। तो एक साथ ज्यादा कलर नहीं लेना है ब्रश में, थोड़ा थोड़ा कलर लेके और इस तरह से प्लेस करके और इसे ब्लेंड करते हुए जाऊंगी। तो अपने इनर आई कॉर्नर की तरफ ब्लेंड करना है। तो अच्छे से मैंने कॉर्नर पे ब्लेंड कर दिया। उसके बाद एक फ्लैट ब्रश में मैं कंसीलर ले रही हूँ और अपने इनर आईलिड पे इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ। ब्रश से कंसीलर अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैं फिंगर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। उसके बाद सेम पैलेट से ये क्रीमी सिमरी कलर लेके जो कि मेरे ड्रेस से मैच कर रहा है, फिंगर की हेल्प से अपने आईलिड पे हाफ आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ। जहां जहां मैंने कंसीलर अप्लाई किया उसके ऊपर डिपॉजिट कर रही हूँ। देन एक ब्लैक कलर पिक करके और कॉर्नर पे इस तरह से कर देना है ताकि कोई लाइन सा ना लगे। और उसके बाद एक स्मॉल ब्रश लेना है और उसमें से ये लाइट ऑरेंजिस कलर लेके अपने क्रीज पे हल्का से फिर से ब्लेंड कर लेना है ताकि सारा कुछ अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ लाइनर। तो लाइनर के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ स्टे कुर्की का ये लाइनर और एक स्मॉल विंग आई लाइनर अप्लाई करूंगी। तो यहाँ मैंने लाइनर अप्लाई कर लिया है। अब मैं टेप को रिमूव कर रही हूँ। मैंने पहले हल्का सा टेप लगा दिया था, डॉक्टर टेप लगाया था, तो मैं उसको रिमूव कर रही हूँ। उसके बाद मैं ये फेक आई लैसेस अप्लाई कर रही हूँ। तो फेक आई लैसेस के पहले मैंने मस्कारा अप्लाई किया हुआ था ऊपर वाले लैसेस पे जो कि क्लिप मिस हो गई है। देन मैं अपने फेस को मसाज कर रही हूँ। तो ये वीडियो काफी पहले की है, फैब की वीडियो है, तो उस टाइम हल्की फुल्की सर्दी भी हो रही थी तो फेस को मॉइस्चराइज करना जरूरी था। तो ग्रीन टी के ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम से मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज कर रही थी। आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं अगर आज तो मेकअप कर रहे हैं तो। उसके बाद मैं ये लैक्मे का प्राइमर ले रही हूँ और थोड़ी सी क्वांटिटी लेके अपने फेस पे कुछ इस तरह से अप्लाई कर ले रही हूँ ताकि हमारा जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे और जो ओपन पोर्स है वो भी हल्के से मिनिमाइज हो जाए। उसके बाद मैं फाउंडेशन के लिए यहाँ ले रही हूँ फिटमी का ये फाउंडेशन जिसमें मेरा शेड है 310 और देन उसमें थोड़ा सा मैं मिक्स करूंगी वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन और दोनों को फाउंडेशन को मिक्स करके फिंगर के हेल्प से डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस और नेक पे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। देन मैं एक ब्रश की हेल्प से फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। तो मैं यहाँ अपने अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए ब्रश का यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो
डैम ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ सबसे पहले ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी, देन सेम डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से पूरे फेस और नेक को अच्छे से टैप टैप करके ब्लेंड कर लूंगी ताकि कोई ड्राई पैचेस ना रहे। तो इस तरह से मैं कर ले रही हूँ। देन मैं अप्लाई करूंगी अपने डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए कंसीलर। तो कंसीलर के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ सेम कंसीलर, वेट एंड वाइल्ड का ये कंसीलर, और अपने आई एरिया, ब्रिज ऑफ द नोज, माउथ एरिया पे अप्लाई करके और सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। तो कंसीलर और फाउंडेशन को काफी अच्छा टाइम देके ब्लेंड करना चाहिए तभी हमारा जो बेस है वो काफी अच्छा बनता है। तो मैं यहाँ कंसीलर को ब्लेंड कर चुकी हूँ और मैं अपने कंसीलर को टॉपअप करूंगी, अपने कंसीलर को सेट करूंगी लॉरियल के कॉम्पैक्ट पाउडर से। तो जहां जहां मैंने कंसीलर अप्लाई किया हुआ है वहां मैं ये लॉरियल का कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ शुगर का ये कंटूर पाउडर और मैं अपने फेस की कंटूरिंग कर रही हूँ। तो कंटूरिंग करने से हमारा फेस जो है फेस पे एक अच्छा सा डायमेंशन आ जाता है और हमारा फेस देखने में थोड़ा सा साफ भी दिखता है। डबल चिन की प्रॉब्लम भी काफी हद तक हाइड होती है तो पूरा व्हाइट व्हाइट नहीं दिखता है। तो नोज की कंटूरिंग के लिए मैं यहाँ स्मॉल ब्रश ले रही हूँ और इस तरह से अपने नोज की कंटूरिंग कर ले रही हूँ। तो नोज की कंटूरिंग करने से नोज थोड़ा सा शार्प दिखता है। कंटूरिंग करने के बाद मैं अप्लाई करूंगी ये, मैं बाकी बचा हुआ आई मेकअप करूंगी। तो आई मेकअप के लिए मैं ऑरेंजेस कलर ले रही हूँ, लाइट ऑरेंजेस कलर, जो कि मैंने क्रीज पे अप्लाई किया था एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से। अपने लोअर लैश लाइन के क्लोज क्लोज अप्लाई करके अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। उसके बाद मैं ब्लैक कलर पिक करूंगी तो अपने लोअर लैश लाइन के नीचे ही हल्का सा कॉर्नर की तरफ ज्यादा करके इस तरह से नीचे नीचे ब्लेंड कर लूंगी। उसके बाद मैं काजल के लिए यहाँ ले रही हूँ व्हाइट काजल और इस तरह से अपने वाटर लाइन पे अप्लाई करूंगी। तो व्हाइट काजल अप्लाई करने से आंखें थोड़ी ओपन अप लगती हैं तो इसलिए मैं व्हाइट काजल यहाँ अप्लाई कर रही हूँ। देन अपने लोअर लैश लाइन पे मस्कारा अप्लाई कर लूंगी तो यहाँ आई मेकअप जो है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ तो मैं यहाँ लैक्मी का ये ब्लश ले रही हूँ और इस तरह से अपने चीक बोन्स पे अप्लाई कर ले रही हूँ। ब्लश के बाद हाइलाइटर, तो वेट एंड वाइल्ड का ये हाइलाइटर है और अपने फेस के हाई पॉइंट को मैं हाईलाइट करूंगी, चिक बोन को, ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड बो, चिन और फोरहेड, आई ब्रो बोन पे, और एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से अपने इनर आई कॉर्नर को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर लूँ। आज मैं अपने मेकअप को सेट करने के लिए यहाँ ले रही हूँ ये मेकअप सेटिंग स्टिक, ओरके का मेकअप सेटिंग स्प्रे, और अपने ब्यूटी ब्लेंडर पे अच्छे से स्प्रे करके और अपने पूरे फेस को डैब डैब कर लूंगी ताकि मेकअप अच्छे से सेट हो जाए। डायरेक्ट मैं इसे अपने फेस पे नहीं स्प्रे कर रही हूँ। लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ ये लॉरियल का रॉक सिग्नेचर लिपस्टिक जिसमें मेरा शेड है 121 आई चूज, और ये एक न्यूट कलर है। तो इसे लेके मैं अपने लिप्स पे अप्लाई कर ले रही हूँ। तो मेरे जो आई मेकअप है थोड़ा सा वो हैवी है तो इसलिए मैं न्यूट कलर अप्लाई कर रही हूँ। तो ये रहा मेरा फिनिश फाइनल लुक, कैसा लग रहा है आप लोग को बताइएगा जरूर। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तभी के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।